धान की खड़ी फसल में कीट के प्रकोप से परेशान किसानों ने मुआवजे की मांग की है। राजनांदगांव में गंगा क्षेत्र किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों का कहना है कि भूमि का क्षेत्र ग्राम घुमका क्षेत्र के 80% किसानों की फसल में दाना नहीं आया है। 4 बार दवाई डालने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। फसल पूरी खराब हो चुकी है, इसलिए सरकार घुमका क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा और क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करे। आज कलेक्टर सर के पास हम लोग आए हैं ज्ञापन सौंपने किसान भाइयों को लेकर। हमारे यहाँ लगभग 4000 एकड़ खेत है, लेकिन 3000 3500 मतलब वो पूरे बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं फसल। कारण ये है कि वो जो चूसक कीड़े हैं वो पूरे किसान भाइयों को खेत में जो फसल लगा हुआ है पूरा बीमारी के रूप में हो रहा है, और वो फल बिल्कुल नहीं, ना दूध भी नहीं है बिल्कुल। हमारे किसान भाई 80% हमारे गाँव में किसान भाई रहते हैं और सब नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हम उनके बीमा एवं क्षतिपूर्ति, जो किसान बीमा नहीं कर पाए हैं उनके भरपाई के लिए हम आवेदन देने आए हैं कलेक्टर सर के पास। और शासन से भी हमारी यही ये निवेदन है कि हमारे किसान भाइयों का मांग को पूरा करें। आज कलेक्टर के पास हम लोग डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घुमका क्षेत्र के लिए, या घुमका क्षेत्र में किसानों की फसल खराब हुई है। जो एक चूसक कीड़ा जो होता है, वो चूसक कीड़ा के कारण धान उत्पन्न वहाँ नहीं हो पाया है और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इसी को लेकर आज कलेक्टर के पास हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उस घुमका क्षेत्र के 6000 आबादी में 80% लोग किसान लोग रहते हैं वहाँ, और पूरे किसानों की फसल खराब हो चुकी है। तो कलेक्टर महोदय से शासन से निवेदन करना है कि सारे किसानों को इस चूसक कीड़े से परेशान है और उनकी फसल का बीमा उनको मिले, इसी बात को लेकर आज हम कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी यहाँ समस्या ये है भैया कि ये फसल देख ले, ये में हमन 3 बेर 4 बेर दवा डाल ड्रेन, फिर ये धान पर गए बदरा। अब बदरा कोई काम की नहीं है, ये पूरा हमार मेहनत घलो हो गए बदरा। अब हमन कैसे ढंग के बचा सकन तेकर बारे में तो बहुत कोशिश करें, 3 बेर 4 बेर दवा डालत रहें, आखिरी में अब कुछ नहीं हो सकी। तो कलेक्टर महोदय करा हन कहीं हमार सहायता हो जाए, बीमा वीमा मिल जतीस तो हमार उद्धार हो जतीस।